यस स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे 7.1 ऐसे ही चल रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखने जा रहे हैं। 17 और 20 मैंने आपको लास्ट कराए थे, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास LHS साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। देखें तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा रहेंगे हमारे पास, 1 प्लस टेन थीटा की जगह 1 प्लस साइन टेन को क्या लिख दिया जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोस थीटा की जगह कोस थीटा, 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। हाँ, ये तो अपन एक बार तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब क्वेश्चन में हमें लाने के लिए बोल रखा है, प्रूव करने के लिए कि कोसेक थीटा और सेक थीटा लाना है, कोसेक थीटा और इसको सेक थीटा बनाना, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा एज इट इज रहेंगे हमारे पास अंदर 1 और कोस थीटा का एलसीएम ले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1, यहां पे प्लस, यहां पे नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया, कोस थीटा ये हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, देखें इसमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन, यहां पे बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहां बचे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, देखें अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा और कोस थीटा आएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने पे कोस से कोस कट हो जाएंगे, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर, इस तरीके से कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होते हैं, तो साइन थीटा इनटू कोस थीटा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, हमें लाना क्या है, सेक और कोसेक, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा के नीचे भी पूरा डिनोमिनेटर लेंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा प्लस cos थीटा के नीचे पूरा डिनोमिनेटर sin थीटा cos थीटा, sin से sin कट 1 upon cos बचे, 1 upon cos को अपन क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस cos से cos कट हो जाएंगे, नीचे sin बचेंगे 1 upon sin को cosec थीटा हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि RHS आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में एलएचएस दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा, लाना है सेक थीटा, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस रहेगी, इस कोस थीटा और ये कोस थीटा कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले इनको पास में लिख के मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा सॉरी कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा कि कॉमन उसमें से लेना है प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू साइन थीटा, स्टार्टिंग ही टू टाइम में हमारे पास सेम क्या आ रहे हैं कोस थीटा, यहाँ पे कोस की पावर 3 थीटा है, तो कोस थीटा तो कॉमन ले लिए, यहाँ बचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां फार्मूला लग जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 हो जाएंगे, यहां भी फार्मूला लगा देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, देखें ये तो हो गए cos थीटा अपॉन में कुछ भी नहीं 1 प्लस यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो चुके थे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो गया cos, तो cos थीटा ही बच गया, यहाँ पे साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, वहां पर से एलसीएम किया जाएगा
कोस थीटा एलसीएम लेने की कोसेस होती वही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए जाएंगे 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होते हैं हमारे पास सेक थीटा, ये हमें लाना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। इसमें LHS दे रखी है हमें, साइन ए प्लस कोसेक है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसेक प्लस सेक ए का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें बनाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए। तो 7 प्लस 4 7 लाना पड़ेगा, मतलब तो पहले सबको स्क्वायर खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पे कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी वाली टर्म आएगी, अब 2 ए की जगह पे साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल रहे हैं कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a और sec a। देखें sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a 1 बनेंगे, तो इसलिए इन दोनों को मैं साथ में लिखूंगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और इनके लगा देते हैं ब्रैकेट प्लस 2 वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं 2 sin a cos a और 2 cos a sec ए प्लस लास्ट वाले क्या क्या बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर, इनको भी लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास 1, यहाँ पे 2 साइन ए और कोसेक है, साइन ए अपने पास एक ऑलरेडी फॉर्मूला था साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1, तो इसकी जगह डायरेक्ट मैंने 1 पुट कर दिया। 2 कोस इंटू सेक क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा लिखो या ए लिखो। देखें नंबर क्या क्या आ रहे हैं 2 1 2 2 1 2, तो 2 2 तो 4 हो गए, 4 और 1 5, और ये 6 और ये 7 आ चुके हैं, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 LHS। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखें क्या करना होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनाना चाह रहा है, तो साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म बन रही है ए प्लस बी साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए प्लस बी लिखना, तो प्लस कोस की पावर 4 थीटा ये हो गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, 4 किसी की पावर 4 हो तो सब फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर टू ए बी वाले टर्म और हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस भी ये वाली टर्म करा देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे टर्म पे, टू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमने देखा है। नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो देखें किस तरीके से बनाएंगे, साइन की पावर टू उसका भी स्क्वायर लगा दिया, कोस की पावर टू उसका भी लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो लगा दें ए प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी तो कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होते हैं 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी 1 ही होते हैं, तो 1 और यहाँ पे क्या बच गए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं तब इसको आगे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टर्म आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 LHS जो दे रखा है बोर्ड में, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, लाना है cot थीटा और cosec थीटा। तो cot थीटा और cosec थीटा लाना है, सबसे पहला काम तो क्या रहेगा, इसे रेशनलाइजेशन करना होगा। क्या करें सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, cot थीटा प्लस cosec थीटा लाना है, तो देखें रेशनलाइजेशन करके sec थीटा प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई। देखिए ऊपर तो होल स्क्वायर बन रहा है, sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर और ऊपर लग गया रूट अपॉन में ए, यहाँ पे भी प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके लग गया रूट। तो देखें नेक्स्ट प्रोसेस क्या बन रही है, इसमें स्क्वायर ऊपर लग रहा है और रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास sec थीटा प्लस 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है हमारे पास, होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो देखें sec थीटा एक्चुअली प्लस 1 tan के स्क्वायर और रूट है कट हो जाएंगे tan थीटा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, sec के नीचे भी tan लिए जाएंगे और 1 के नीचे भी tan लिया जाएगा, तो sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। tan को अपन क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos और sec एडिट हो जाएगा sec थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos ऊपर चला जाएगा इनटू cos थीटा प्लस tan 1 अपॉन tan को क्या लिखा जाता है cot थीटा, cot थीटा तो हमारे आ चुके हैं sec थीटा cos थीटा। अब यहां पे देखें sec इनटू cos होता है 1 और 1 अपॉन sin क्या होता है कोसेक, तो इसलिए कोसेक लिखता हूं मैं,
क्योंकि यहाँ तो sec into cos की वैल्यू होती है 1 और 1 upon sin theta की वैल्यू होती है cosec theta, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ cosec theta plus cot theta, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी RHS आ चुकी है। तो आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।